आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र सिंह राठौर ने कहा कि प्रदेश में आमजन को राज्य की कांग्रेस सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए महंगाई राहत शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों में आमजन को एक ही छत के नीचे विभिन्न प्रकार की योजनाओं का पंजीकरण कर उन्हें लाभार्थी कार्ड वितरित किए जा रहे हैं ताकि उन्हें योजनाओं का लाभ मिल सके। राठौर ने कहा कि इसके लिए शिविरों में लगे अधिकारी तथा कर्मचारी आमजन का सहयोग कर उनका पंजीयन करने का श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं। राठौर गुरुवार को शहर के चांगेट स्थित महात्मा गांधी सर्किल पर नगर परिषद की ओर से आयोजित महंगाई राहत शिविर में आमजन तथा उपस्थित अधिकारियों तथा जनप्रतिनिधियों को संबोधित कर रहे थे। अपने संबोधन के दौरान राठौर ने कहा कि ब्यावर शहर में 24 अप्रैल से शुरू हुए राहत शिविरों में बड़ी संख्या में आमजन अपना पंजीयन करवा रहे हैं। इसके लिए यहाँ के उपखंड अधिकारी, नगर परिषद के अधिकारी, कर्मचारी सहित अन्य विभाग के अधिकारी मुस्तैदी से कार्य कर रहे हैं। राठौर ने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ब्यावर को जिला बनाकर इसकी वर्षों पुरानी मांग को पूरा कर यहाँ के निवासियों को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। राठौर ने कहा कि सीएम अशोक गहलोत ने प्रदेश के 1,00,000 से अधिक संविदा कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारी बनाया है, साथ ही पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने में राजस्थान देश का पहला राज्य है। राजस्थान में पर्यटन का उद्योग का दर्जा दिए जाने की प्रशंसा करते हुए राठौर ने कहा कि राज्य के सीएम अशोक गहलोत ने पर्यटन विभाग को आगे बढ़ाने के लिए अलग से बजट दिया है, जिससे पर्यटन विभाग की होटलों का जीर्णोद्धार करवाया जा रहा है ताकि इन होटलों में ठहरने वाले लोगों को सभी सुविधाएं दी जा सके। इससे पहले राठौर के शिविर में पहुंचने पर उपखंड अधिकारी मधु सिंह, सहायक पुलिस अधीक्षक मनीष चौधरी, नगर परिषद आयुक्त गुरमीत सिंह, तहसीलदार मोहन सिंह, नगर परिषद सचिव विकास कुमावत, नगर परिषद सभापति नरेश कानोजिया, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष अशोक रांका, कांग्रेस नेता प्रवीण जैन, दिनेश शर्मा, पूर्व सभापति कमला दग्दी, कांग्रेस पार्षद अल्पतराज मेवाड़ा, घनश्याम फुलवारी सहित अन्य ने राठौर का माला विस्ताफा पहनाकर स्वागत किया। स्वागत के दौरान कांग्रेस नेता मनोज चौहान, सभापति नरेश कनौजिया, एसटीएम सिंह आदि का माला विस्ताफा पहनाकर स्वागत किया गया। शिविर अवलोकन के दौरान राठौर ने मौके पर उपस्थित कुछ लोगों को लाभार्थी कार्ड व आवासीय मकानों के पट्टे भेंट किए। इस दौरान शिविर में पंजीयन करवाने पहुंची कुछ महिलाओं ने राठौर को अपनी कुछ समस्याओं से अवगत कराया, जिस पर राठौर ने समस्याओं के शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। इस दौरान शिविर में पंजीयन के दौरान आने वाली तकनीकी समस्याओं की जानकारी पर उन्होंने कहा कि तकनीकी समस्याओं का अधिकारियों से संपर्क कर समाधान करवाया जा रहा है। राठौर ने कहा कि चाहे कैसी भी समस्याएं हो, लेकिन सरकार की मंशा है कि प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति को राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिले। इसके लिए राज्य सरकार पुरजोर तरीके से कार्य कर रही है। इसका गठन हुआ, तब से लेके और आप देखिए 1990 तक आरटीडीसी का नाम बहुत ही मतलब प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट में से एक इंस्टीट्यूट माना जाता है। इसकी पहली चेयरमैन जयपुर की राजमाता गायत्री देवी रही, 94 में चेयरमैन जोधपुर के महाराजा गत सिंह जी रहे, और आरटीडीसी की होटल में रुकना बहुत प्रेस्टिजियस माना जाता था। सिफारिशें होती थी कि जयपुर की गणगौर में रुका दो, अजमेर के खादिम में रुका दो, पुष्कर की सरोवर में रुका दो, अलवर की सिली सेठ में रुका दो, हमारे रणथंबोर में, विनायक में और झूमर बावड़ी में रुका दो, सिफारिशें आती थी। लेकिन समय के साथ में आरटीडीसी ने पूरी तरह से अपने आप को अपडेट नहीं किया, सरकारें भी आई, सरकारों ने भी ध्यान नहीं दिया। पहली बार हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने केवल वैसे तो सभी सेक्टर को उन्होंने सब कुछ दिया है, लेकिन टूरिज्म सेक्टर में कोरोना को सबसे ज़्यादा असर हुआ है वो टूरिज्म सेक्टर पे हुआ है। होटलें बंद हो गई, ट्रांसपोर्टेशन बंद हो गया, हेलीकॉप्टर हवाई जहाज बंद हो गई, तो हमारे पास जो जो थे हमारी होटलें बंद हो गई, पहले से एक लॉस में थी, बंद होने पर और लॉस में आ गई। तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहला जो बूस्ट किया टूरिज्म सेक्टर को, उन्होंने होटल को इंडस्ट्री का दर्जा दिया। होटल को इंडस्ट्री का दर्जा दिया तो सारे प्राइवेट होटलों वालों को भी बूस्ट मिला, 30% उनका 100 रुपये का जो बिल होता था, खर्चा आता था, उसको 30% कम कर दिया उसको। और ग्रामीण पर्यटन इकाई बनाए, गांव-गांव में होटल खुले, इसके लिए पॉलिसी बना दी। हमारी आरटीडीसी के होटलों को वापस हम जीर्णोद्धार करें, उसके लिए हमको बजट दे दिया। आज हमारी 10 होटलों का काम युद्ध स्तर पर जीर्णोद्धार हो रहा है और अगले महीने तक सारी की सारी होटलों का हम उद्घाटन कर देंगे। हमारी पहले